तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी फोटो और वीडियोस मैंने डिलीट करी थी वो यहाँ पर सारी की सारी शो हो रही है। सो आपको सिंपली इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है और इस थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली इसको सेव कर लेना है फिर से अपने फोन की गैलरी में और ये वापस आ जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि डिलीट फोटो और वीडियो को अपनी गैलरी में वापस कैसे लाएं। सो अगर आपने भी अपनी कोई फोटो या वीडियो डिलीट कर दी है और अब आप उसको वापस लाना चाहते हो सो इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ज़बरदस्त ऐप के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी मदद से कि दोस्तों आप किसी भी फोटो वीडियो को वापस ला सकते हो अपने फ़ोन की गैलरी में। सो इस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के एंड बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैं प्ले स्टोर के ऊपर क्लिक करता हूँ, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे सर्च बॉक्स में जाना है एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है डिस्क डिगर। सो यहाँ पे मैं डिस्क डिगर के ऊपर क्लिक करता हूँ। सो आपको सिंपली ये सर्च करना है एंड आपके सामने ये वाली एप्लीकेशन यहाँ पर शो हो जाएगी। सो आपको सिंपली इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल फ़ोन में। सो इसको मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है सो इसको मैं यहाँ पे सिंपली ओपन कर देता हूँ। सो इसको आप जैसे यहाँ पर ओपन करोगे सो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, सर्च फोटोज़ का एंड दोस्तों सर्च फॉर लॉस्ट वीडियोज़ का। सो अगर आप वीडियो को ढूंढना चाहते हो वापस लाना चाहते हो तो आपको वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और अगर आप फोटो को वापस लाना चाहते हो तो आपको फोटो के ऊपर क्लिक करना है। सो यहाँ पे मैं फोटो के ऊपर क्लिक करता हूँ। सो दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पे फोटो के ऊपर क्लिक करूंगा सो यहाँ पर मैंने जितनी भी फोटो डिलीट कर रखी है रिसेंटली वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई ये फोटो मैंने यहाँ पे डिलीट करके रखी है। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर एक ये फोटो है जिसको कि मैंने डिलीट करके रखा है, आपके सामने भी इस तरह से यहाँ पर फोटो शो हो जाएगी। सो आपको जिस भी फोटो को वापस लाना है आपको सिंपली इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे टिक कर देना है उस फोटो को, और टिक करने के बाद आपको सिंपली इस थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेव दिस फाइल। सो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे सो यहाँ पर आपको अपने फोन का पासवर्ड डाल देना है, उसके बाद आपको यहाँ पे फोल्डर सेलेक्ट कर देना है कि आपको किस फोल्डर में ये फोटो वापस डालनी है। सो उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे नीचे क्लिक कर देना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे सो यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है। सो उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे नो थैंक्स इसको कर देना है और दोस्तों आपकी जो फोटो है वो यहाँ पर गैलरी में आ जाएगी। सो इस तरह से आप सारी फोटो को यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। आपको सिंपली इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे थ्री डॉट के ऊपर जाना है। सो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एंड थ्री डॉट के ऊपर जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर फोल्डर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपकी फ़ोटो जो है भाई वो सेव हो जाएगी। सो इस तरह से आप इजीली आप फोटो को वापस ला सकते हो एंड वीडियो का भी सेम प्रोसेस है। सो वीडियो को भी आप इसी तरह से वापस ला सकते हो। जैसे कि यहाँ पर छोटी सी एक ऐड आ चुकी है सो इसको मैं यहाँ पे स्किप करता हूँ। सो यहाँ पर वीडियो के लिए भी आप देख सकते हो, आपको सिंपली वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। सो यहाँ पर भी सेम इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, आपको सिंपली यहाँ पे वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर वीडियो आ चुकी है जो जो मैंने डिलीट करी है। सो आपको सिंपली इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर थ्री डॉट के ऊपर जाना है और यहाँ पर भी आपको सेव दिस फाइल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे सिंपली फोल्डर को सिलेक्ट करना है। सो जैसे ही आप यहाँ पे फोल्डर सेलेक्ट करोगे सो आपकी ये वीडियो भी गैलरी में आ जाएगी, आप यहाँ पर देख सकते हो। सो दोस्तों इस तरह से आप इस ऐप का यूज कर सकते हो। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करना और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों में। सो अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। टाटा बाय, टेक केयर।